तो हे गज माई नेम इज़ वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल गज। आजकल जो इंस्टाग्राम पे दोस्तों ये वाली वीडियो से काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, 2023 इन 60 फोटोज़ वाली वीडियो से काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आप देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पर ट्रेंडिंग लिखा हुआ है यहाँ पर 400, तो 4 लाख दोस्तों यहाँ पर रील्स जो यहाँ पर पूरी बन चुकी है दोस्तों, और मिलियंस में दोस्तों व्यूज़ जा रहा है जो भी इस पर बना रहा है। ठीक है, अगर आप लोग भी बनाना चाहते हो और आपको नहीं पता कि कैसे उसको एडिट करते, लेकिन दोस्तों इसको एडिट करना काफ़ी सिंपल है दोस्तों। जैसे जैसे मैं आपको बता दूँगा, अगर आप वैसे करोगे तो दोस्तों 2 या 3 मिनट में दोस्तों आप एडिटिंग सीख जाओगे। ठीक है, तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो चलिए यार वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम को वेस्ट हुए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है इनशॉट। तो इनशॉट दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो प्ले स्टोर से आपको इनशॉट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जाना आपको वीडियो वाला ऑप्शन पर, एंड यहाँ पर एडवर्टाइज को आपको जो रिमूव कर देना। ठीक है, आप हट जाएगी एडवर्टाइज, आप हटाओगे तो यहाँ पर वीडियो वाले पर क्लिक करके न्यू वाले ऑप्शन पर जाके गाइस आपको जाना है फोटोज वाले ऑप्शन पर। आप चाहो तो वीडियो भी पहले सेलेक्ट कर सकते हो, मैं यहाँ पर फोटो सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, फोटो तो यहाँ पर गाइस मैंने एक फोटो को सेलेक्ट किया। सबसे पहले मैं दोस्तों एक फोटो को सेलेक्ट किया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक फोटो को सेलेक्ट किया। यहाँ पर मैं टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाऊँगा, और टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाके आपको क्या लिखना है, आपको लिख देना है 2023। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको रख दिया, आप चाहो तो कोई भी कलर रख सकते हो। ठीक है, मैंने इस तरह से रख दिया। मैंने दोस्तों यहाँ पर नेचर के फोटो सेलेक्ट किया, आप चाहो तो दोस्तों आप अपने फोटो सेलेक्ट कर सकते हो या फिर कोई और फोटो यहाँ पर सही हो आपकी दोस्तों मर्जी है। आप चाहो तो यहाँ पर कुछ भी फोटो को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर नेचर के फोटो सेलेक्ट किया। पहले मैंने यहाँ पर एक फोटो को सेलेक्ट किया। ठीक है, और इसकी लेंथ मैंने यहाँ तक रखी है। इसके बाद दोस्तों साउंड कैसे ऐड करना मैं सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक इसको इतना ऐड कर दिया। ठीक है, ये लिख के फिर के बाद इसके बाद दोस्तों आपको साइड में आ जाना, यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर जाकर यहाँ पर जाना वीडियो एंड फोटोज वाले ऑप्शन पर, एंड बाकी के फोटो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से मैं फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नीचे रीसेट वाला ऑप्शन पर जाओगे दोस्तों, यहाँ पर आपके सारे फोल्डर ओपन हो जाएंगे। जिस भी फोल्डर में दोस्तों आपके फोटोज़ पड़े तो वहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सारे फोटोज़ यहाँ पर रखे, तो मैंने यहाँ पर फोटोज़ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पूरी साइड फोटोज़ को नहीं सेलेक्ट किया। ठीक है, मैंने आपको सिखाने के लिए जस्ट थोड़ा ही फोटो को सेलेक्ट किया है, तो जितने मैंने किया है उतने मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। आप चाहो तो 60 फोटो या फिर उससे कम भी ले सकते हो, या फिर उससे ज़्यादा अगर आप लेना चाहो तो। ठीक है, मैंने यहाँ पर इतने फोटोज़ को सेलेक्ट किया, लगभग दोस्तों 60 फोटो हो गए, मैंने गिने नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल फोटो आ गए, देख सकते हो दोस्तों पूरी बड़ी लेंथ हो गई, लेकिन हमको इतने बड़े फोटो नहीं रखने हैं। अब दोस्तों गाइस हमको जो यहाँ पर साउंड लगाना है, साउंड लगाने के लिए क्या करना है, मैं दोस्तों इंस्टाग्राम में जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इंस्टाग्राम में दोस्तों मैं यहाँ पर आ गया हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको किसी भी वीडियो की लिंक कॉपी कर लेनी, ठीक है, ये वाले साउंड की। ठीक है, ठीक है, तो मैंने इस वाले साउंड की जहाँ पर लिंक कॉपी कर लेता और इसको डाउनलोड कर लेना। ये वाले रील आपके पास नहीं है तो आप इसको कहाँ से कैसे, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम में जाके इसकी लिंक कॉपी करके दोस्तों एक वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ, क्रोम पर जाना है दोस्तों। इंस्टा, ठीक है, जैसे मैं लिखा देता हूँ सेव इंस्टा। ठीक है, तो आपको सेव इंस्टा करके दोस्तों आपको सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर एक वेबसाइट आएगी नीचे की साइड, दोस्तों से सेव इंस्टा डाउनलोड इंस्टाग्राम वीडियो एंड फोटोज, तो दोस्तों इस टाइप का इंटरफेस आएगा। आपको जाना है यहाँ पर पेस्ट लिंक पर। ठीक है, सॉरी गाइस यहाँ पर थोड़ी एडवर्टाइज की दिक्कत है आपको, यहाँ पर आपको इस टाइप से, तो यहाँ पर एडवर्टाइज हटाने के बाद दोस्तों आपको लिंक को पेस्ट करना है, डाउनलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। ठीक है, तो आप कुछ ही सेकंड में आपकी रील जो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों डाउनलोड वीडियो पर क्लिक कर लेना। ठीक है, तो आपका वीडियो यहाँ पर डाउनलोड हो गया। ठीक है, इसके बाद इसको हम MP3 कर लेंगे। MP3 कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको जाना फिर से दोस्तों इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में चले जाना, और फिर गए दोस्तों आपको म्यूजिक वाले ऑप्शन पर जाना। यहाँ गए दोस्तों म्यूजिक वाले ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑडियो, तो इस पर क्लिक कर लेना दोस्तों। जो आपने रील को डाउनलोड किया अभी उसी रील को लेकर आना। ठीक है, यहाँ पर मैं रिसेंट वाला ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर मैंने रील को लिख किया, तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा साउंड जो पूरा एक्सट्रैक्ट हो गया है, जो कि 9 सेकंड का है कुछ। ठीक है, मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर साउंड प्ले हो गया। अभी साउंड के हिसाब से सारे फोटोज़ को मैच करना है, तो कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो आपको सबसे पहले वीडियो को प्ले करना है और सुनना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसको ये वाले फर्स्ट वाले को थोड़ा बड़ा कर लेना। ठीक है, और फिर दोस्तों टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाके ये जो टेक्स्ट है इसको भी थोड़ा अपने फर्स्ट वाले फोटो के हिसाब से रखना है। इतना रख के दोस्तों आपको सुनकर सुनना है। ठीक है, आप देख सकते हो मैं सुन रहा हूँ, और ठीक है, तो यहाँ से हमको सारे फोटोज़ को सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट दूसरे वाले फोटोज़ पर जाके दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन होगा ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन को दोस्तों आपको कम करना है। कितना कम करना है, तो 0.02 पे कर देना। ठीक है, 0.2 सेकंड पे करके दोस्तों यहाँ पर डबल टिक किया, उस पर क्लिक करके अप्लाई टू ऑल पे कर देना। ठीक है, तो सारे फोटोज़ पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाले फोटोज़ को आपको सेलेक्ट करना है, फर्स्ट वाले फोटोज़ की आपको जो है लेंथ को बढ़ा रखना। ठीक है, सॉरी ये सेकंड वाला है, तो इतना रखें फर्स्ट वाला, जो आपको पहले 2 फिंगर से जूम करना है और फर्स्ट वाले को आपको बड़ा कर लेना है, टेक्स्ट के हिसाब से बड़ा करना। ठीक है,
यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो नीचे दोस्तों जो ग्रीन लाइन है यहाँ तक रखना है, ठीक है, अपने टैक्स के हिसाब से, ठीक है, मैं टैक्स पे जाके दिखाता हूँ, ठीक है। टैक्स के हिसाब से आपको पहले वाले फोटोज़ को रखना है, बाकी को सारों को छोटा कर देना, ठीक है, बाकी सारों को 0.2 सेकंड को और फर्स्ट वाले फोटोज़ को 4.9 सेकंड का, ठीक है, आपको दिखा सकते हो फर्स्ट वाली जो फोटो है इस पर 4.9 सेकंड का रखना है, बाकी का सबको 0.2 सेकंड पे। तो इतना रख के दोस्तों मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो तो गाइज यहाँ पर जो हमारी वीडियो कुछ इस टाइप से बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 9 सेकंड का ही साउंड था, तो 9 सेकंड तक हमने वीडियोस को बना लिया, तो हमारी वीडियो कुछ इसी टाइप से बनाएंगे, ठीक है। आप चाहो तो और छोटा कर सकते हो, और छोटा करने के लिए वापस आपको सेम ही प्रोसेस है। अगर आप फोटो वीडियो बड़ा करना चाहते हो तो आपको दूरी किसी भी फोटो को सेलेक्ट करना है और ड्यूरेशन पे जाके दोस्तों यहाँ पर आपको कर देना है 0.1 पर, ठीक है, तो आपकी और लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से आप वीडियो बना सकते हैं, इन शॉर्ट में काफ़ी सिंपल है, कोई हार्ड काम नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को आपने रेडी हो गया, वीडियो को सेव करने के लिए ऊपर जाना सेव वाला ऑप्शन पर, एंड यहाँ से आपको कर लेना वीडियो को सेव। तो हमारा वीडियो यहाँ पर सेव होना स्टार्ट हो गया। गाइस वीडियो अच्छा लगा तो फिर दोस्तों वीडियो को लाइक करो अपने दोस्तों, तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो फिर दोस्तों वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के भी शेयर करो और कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।